और बैड गाइस, आपका फिर से स्वागत है कार फॉर सेल के एक न्यू एपिसोड में। आई नो, मैं जानता हूं आप सबके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है कि ये मेरी सारे सुपर कार्स मेरे शोरूम की जगह ये नेबरहुड में क्या कर रही हैं। तो गाइस यार, आज मैं लेके आया हूं अपनी सारे सुपर कार्स को यहां पर एक रैंप जंप चैलेंज करवाने। वो सामने की तरफ जो रैंप है ना, वो हाँ वही वाला। तो उस पे से हम लोग आज अपनी सारी की सारी सुपर कार्स को जंप करवाने वाले हैं एक एक करके, और देखेंगे कि किस कार में ज्यादा डैमेज हुआ है और किस कार में कम, और जो सबसे दूर जंप करेगी वो कार होगी इस चैलेंज की विनर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो चलो यार, सबसे पहले अपन लोग अपनी सुप्रा लेके जाएंगे और इसको जंप करा कर देखते हैं यार इसमें कितना ज्यादा डैमेज होगा और ये कितनी दूर तक जंप कर पाएगी। तो भाई साहब, पिकअप तो इसने काफी अच्छा लिया, बूस्टर्स तुम्हारे भाई ने खोल दिया और जंप के लिए तैयार। ओ भाई साहब, जंप तो काफी अच्छी ली, लेकिन एक सीढ़ी पलट गई तो अरे भैंस की टंग, बम्पर बहुत तेज लगी है। ओए 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 गाइस यार, गाड़ी में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है भाई, और लेकिन इसने काफी अच्छी जंप ली है भाई, ये ऑलमोस्ट रिपेयरिंग सेंटर तक आ गई है। तो चलो यार, नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। तो गाइस यार, अब पोर्श की बारी है, और भाई साहब पोर्श ने पिकअप तो बहुत ही तगड़ा लिया है भाई, ये मेरे को लगता है तगड़ी जंप ली हुई, काफी तगड़ी सुपर कार है। और भाई साहब, ओबे भाई, ये तो हवा में पहुंच गई बिल्कुल। लेकिन वेट वेट, ओए 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 भाई साहब, ओए ओए, भैंस की टांगी तो शोरूम के सामने ही आ गई भाई, कितनी दूर आ गई भाई, ये दीवार नहीं होती ना तो कसम से शोरूम से भी आगे चली जाती, इसमें काफी नुकसान हुआ है। तो अपन लोग अपनी नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसे कोई बीट कर पाएगा या नहीं। सो अब नेक्स्ट अपन लोग लेके जाने वाले अपने गेम की वन ऑफ द रेयर कार भाई, निसान GTR। और भाई पिकअप तो बहुत ही तगड़ा, ओए भाई साहब, इसने पोर्श से भी ऊंची जंप ली है भाई, ये तो डायरेक्ट ये शोरूम तक नहीं पहुंची। अरे यार शिट बे गाइस यार, ये पोर्श की वजह से आगे नहीं निकल पाई है, वरना ये पोर्श से भी आगे जाती। तो भाई अभी तक जो सबसे लंबी जंप ली है वो अपनी निसान GTR ने ली है, और डैमेज हम सब कार को जंप कराने के बाद चेक करेंगे। तो अब मैं अपनी फरारी लेके जाने वाला हूँ भाई, ये कार मेरे को बहुत तगड़ी लगती है और ब्लैक कलर में तो क्या ही जबरदस्त लग रही है। तो भाई इसने पिकअप तो काफी सही लिया है, पर यार मेरे को लगता नहीं कि इतनी दूर जा पाएगी, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड ज्यादा नहीं है यार। ओए जंप तो भाई साहब इसने भी काफी अच्छी ली है, लेकिन वेट यार, ये ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी, लगा ही था मेरे को भैंस की टांग। ओए मेरे को लग रहा है भाई सबसे नुकसान फरारी में होने वाला है, भाई कितनी गंदी तरीके से ठुकी है ये। खैर कोई नहीं, अपन लोग अपनी नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। अब गाइस यार, अपनी नेक्स्ट कार है ऑडी R8, और भाई ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कार है इस गेम में भाई, मेरे हिसाब से तो यही सबसे फास्ट कार है। और भाई पिकअप तो इसने काफी तगड़ा लिया है भाई, बूस्टर तुम्हारे भाई ने लगा दिए हैं बिल्कुल, लेकिन यार ये ज्यादा दूर नहीं गई, आई थिंक ये वेट की वजह से नहीं गई और इसकी बॉडी शेप की वजह से। ओए ओए भैंस की टांग वे, पर भाई इसमें डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार लग रही है। पर खैर कोई नहीं, अपन लोग डैमेज बाद में चेक करेंगे, अब दूसरी कार की तरफ चलते हैं। तो गाइज यार, हमने एक से एक तगड़ी सुपर कार को तो जंप करा कर देख लिया है, पर अब मैं एक विंटेज कार को लेके जाने वाला हूँ, Chevrolet की कार को। और भाई साहब इसने बूस्टर लगा दी है, और मेरे को लग रहा है ये लंबी जंप लेगी, क्योंकि भाई इसका बॉडी वेट थोड़ा हल्का लग रहा है मेरे को। ओए भाई साहब, जंप तो काफी तगड़ी ली है, लेकिन यार ये भी यहीं पर रह जाएगी। अरे 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 भाई साहब, अरे रुक जा रहे भाई, कहाँ जाके मानेगी वेट यार। अगर वैसे देखा जाए ना, लैंड होने के बाद तो सबसे दूर यही आई है भाई, बट यार जंप में सबसे पीछे रह गई है। तो अपन लोग फटाफट नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं अपनी, जो कि है मस्टैंग GT, मेरी फेवरेट कार। और भाई मैं चाहता हूँ कि ये कार कुछ तगड़ी जंप लेनी चाहिए, पर यार इसका बॉडी थोड़ी हैवी है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि भाई सबसे लंबी जंप ये ले पाएगी, लेकिन जंप तो काफी अच्छी ली है, लेकिन वेट यार भाई, अरे यार तो सबसे पीछे गिर गए, लेकिन भाई भाई फ्लिप मार मार के बिल्कुल भाई टेढ़ी मेढ़ी हो गई भाई, इसमें काफी नुकसान हुआ है। तो गाइस यार, ऑलमोस्ट मैंने सारी कार्स को जंप करा लिया है, अब इनको फटाफट से लेके चलता हूँ शोरूम में और लगाता हूँ इन्हें सेल पर, और देखता हूँ इनमें कितना कितना डैमेज हुआ है। लेट्स गो। सो गाइस यार, फाइनली मैं शोरूम में सारी कार्स लेके आ चुका हूँ, और अपनी क्लियर विनर है निसान GTR, इसने सबसे लंबी जंप इस कार ने ली है। तो गाइस यार, मैं सारी कार को सेल पे लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा। तो गाइज यार, इन सारी कार्स को मैं सेल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं शोरूम को कर रहा हूँ बंद, और अगर आप चाहते हो कि मैं शोरूम खुला रखूँ या फिर दोबारा से और तगड़े तगड़े सुपर कार्स लेके खरीद के आऊँ, तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तो मैं समझ जाऊँगा आप इसकी और भी वीडियोस चाहते हो उस गेम की। तो यार गाइज, ये लास्ट कार है और मैं इसे भी सेल करने जा रहा हूँ, और सेल। तो गाइज, अपना शोरूम हो चुका है परमानेंटली बंद और पूरा खाली। तो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, एंड बाय बाय A to Z Motors।